नक्सलियों का इलाका, एक स्कूल, 50 बच्चे, 18 पीरियड और अकेला शिक्षक। कैसे असुविधाओं के बीच बड़ी सहजता से बच्चों का भविष्य सवार रहा है, आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल कांकेर के नक्सलियों के गढ़ कोयलीबेड़ा में एक झोपड़ी के भीतर ये शिक्षक हर रोज करीब 18 क्लास पढ़ाते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया, प्रिंसिपल की भूमिका, प्रबंधक से लेकर स्कूल के सारे काम इन्हीं के जिम्मे हैं। नक्सली क्षेत्र होने की वजह से यहाँ शासन प्रशासन की आवाजाही नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सुपरमैन टीचर ही अब यहाँ के बच्चों के जीवन की रोशनी है। इसमें नदी, पहाड़, ठीक है, नदी, पहाड़ और जंगल, ठीक है, ये सब आता है हमारे। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के मर्दखास स्कूल की ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली भी हैं, क्योंकि इस स्कूल में तस्वीर तो पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम और कई नेताओं की लगी है, लेकिन यहाँ के कर्ता धरता शिक्षक मोहन लाल वर्मा ही है। मेरे आने के बाद भी यहाँ अकेले टीचर ही मैं संचालित कर रहा हूँ इस संस्था को, तो बहुत दिक्कत होता है बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने में, अकेला टीचर और 18 पीरियड हो जाता है एक दिन में, तो बच्चों का ही पढ़ाई नुकसान हो रहा है इससे। शासन से गांव वाले लोग, शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सभी सदस्य लोग कई बार कलेक्टर के पास, बीओ के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन दे चुके हैं, इसके बावजूद यहाँ पे शिक्षक की व्यवस्था की नहीं जा रही है। ना तो कोई फ्रेश शिक्षक आ रहा है और ना ही व्यवस्था के तहत शाला में शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं, कितना पढ़ाते हैं? एक दिन में केवल एक कक्षा का दो ही विषय संपादित हो पाता है। इस प्रकार से तीनों क्लास में दो दो सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। इसके बावजूद हमको बहुत सारा शासकीय अन्य कार्य भी करना पड़ता है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में एक शिक्षक के भरोसे बच्चों की पढ़ाई होती है, जहां सभी विषयों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक ही है। इस सरकारी पूर्व माध्यमिक स्कूल का निर्माण 6 जुलाई सन 2013 को हुआ था, लेकिन कभी भी यहां एक से अधिक शिक्षक तैनात नहीं किए गए। जहां सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं का हवाला देते नहीं थकती, वहीं मर्दा खास के इस माध्यमिक शाला में सरकार की लापरवाही साफ नजर आती है। ऐसा लगता है कि यहां पढ़ रहे 50 बच्चों की जिम्मेदारी एकमात्र शिक्षक को सौंपकर उन्हें सुपरमैन बना देना चाहती है। कांकेर से न्यूज के लिए भौजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।